हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मई 2020 को एक प्रेस रिलीज नोट जारी किया था, जिसमें COVID-19 जैसी महामारी के चलते और हमारे देश की वर्तमान इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने TDS और TCS के रेट को 25% रिड्यूस किया है। और ये जो TDS और TCS की जो नई रेट है ये 14 मई 2020 से लागू हो चुकी है। जो फ्रेंड्स, ये जो नई रेट्स हमारे TDS की रही है ये केवल नॉन सैलरीड पर्सन के लिए ही है। अगर किसी व्यक्ति का सैलरी पे TDS कट रहा है तो इस रेट का उसे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उसका पुराने रेट से ही TDS कटता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये जो TDS और TCS की जो नई रेट है इसे टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे लागू करेंगे ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके से टैली और अकाउंटिंग से संबंधित नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस नई TDS रेट से क्या फ़ायदा होने वाला है डिडक्टर को और क्या फ़ायदा होने वाला है डिडक्टी को, हम ये टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करके ही समझेंगे। तो हम चलते हैं हमारे टैली ERP9 की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हमारे टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में TDS को इनेबल करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और या हम चाहें तो यहाँ से F1 फिर से क्लिक करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम F11 और उसके बाद कंपनी फीचर में से ट्रेजरी एंड टैक्सेशन के फीचर को इंटर प्रेस करेंगे और हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। और इसमें हम एंटर एंटर प्रेस करते हुए फंक्शन पे जाएंगे TDS पे और ये इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS और इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS, ये टेली ERP9 में बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहते हैं जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तब इसे हम यस कर लेते हैं। जैसे हम TDS इनेबल को यस करेंगे तो हम TDS डिटेल को भी यस करना होगा और 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में हमारा 10 नंबर टाइप करना होगा जो हमारे पास 10 डिजिट का होता है। इसी तरीके से हम डिडक्टर टाइप हम इसमें इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करेंगे और डिडक्टर ब्रांच यानी कि TDS की जहाँ से आप TDS कटता है उस ब्रांच का हेड ऑफिस का एड्रेस हमको यहाँ पे टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे रायसिंह नगर। और पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबल में एक बार हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद रेट एंड एग्जाम्पशंस डिटेल के अंदर हम, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ रेट ऑफ TDS इफ पेन इज नॉट एप्लीकेबल 20%, यानी कि जिस डिडक्टी का आप TDS काट रहे हो अगर वो डिडक्टी आपको पेन नंबर या पेन अवेलेबल नहीं करवाता है तो उस कंडीशन में उसका जो TDS है 20% के हिसाब से डिडक्ट होएगा। तो हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। इसी तरीके हम TCS को भी यस कर लेंगे और इंटर एंटर करते हुए इस फंक्शन को हम सेव करेंगे। तो अब इस तरीके से हमारा TDS का फंक्शन जो इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद हमें TDS की हमारी जो नेचर ऑफ पेमेंट यानी कि सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स है उसे क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गेटवे टैली पे और मास्टर इन्फॉर्मेशन पर। तो मास्टर इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन पर और ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा TDS नेचर ऑफ पेमेंट। अब ये TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है ये हमने जो हमारी प्रेस रिलीज में जो देखा था ये हमारा नेचर ऑफ पेमेंट यानी कि किस नेचर पर आप TDS काटते हो, इंटरेस्ट पे काटते हो, कमीशन पे काटते हो या किसी रेंट पे काटते हो, और ये इसका सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स यानी कि ये इसका कोड होता है। हम जो इंटरेस्ट पे नेचर ऑफ पेमेंट टाइप करने वाले हैं वो करेंगे इंटरेस्ट का यानी कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का और इसका कोड रहेगा 194A और इसकी जो पुरानी जो TDS की रेट दर थी यानी कि 13 मई तक वो थी 10% की और जो 14 मई से जो इफेक्ट हो जाएगी वो हमारी है 7.5% यानी कि 7.5% की। तो हम इसे टैली में एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेक्शन पूछेगा तो सेक्शन हमारा था 194A और पेमेंट कोड
यानी कि जो हमने इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट किया है उसको हम 94 ए कोड में डिपॉजिट करवाते हैं। और यहाँ पे रेट यानी कि 13 मई तक किस रेट तक इंटरेस्ट पे जो टीडीएस डिडक्ट होता था किस रेट से टीडीएस कटता था 10% पे। और यहाँ पे इसकी लिमिट यानी कि जो एग्जम्पशन लिमिट थी 5,000 रुपये, यानी कि जिसका इंटरेस्ट हम 5,000 से कम दे रहे हैं तो हमें टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 5,000 या 5,000 से ज़्यादा का अगर कोई टीडीएस इंटरेस्ट किसी को दे रहे हैं तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अभी तक 13 मई तक हमें काटना पड़ता था। जो नई रेट है उसको हम कैसे इफेक्ट करेंगे ये हम सीखेंगे और इसको एंटर एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम कमीशन का भी बना के देखेंगे, कमीशन और ब्रोकरेज का। और इसका कोड था 194H और इसका पेमेंट कोड होता है 94H। और इसकी जो रेट है 5% है और इसकी लिमिट है वो 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 तक या 15,000 से अगर ज़्यादा हम किसी को कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं तो 5% का TDS डिडक्ट करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेचर ऑफ पेमेंट का भी कोड तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेज़र के लिए हम सबसे पहले मास्टर्स मेन्यू पर और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर, उसके बाद लेजर्स पर और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम उस पार्टी का लेज़र क्रिएट बनाएंगे जिसको हमें टीडीएस काटना है, यानी कि उस कंपनी का। यानी हम एक लेज़र बना लेते हैं एग्जांपल के लिए एबीसी ट्रेडर्स, और उसको अंडर ग्रुप में रखेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर्स। तो स्ट्रेचरी इन्फॉर्मेशन में ये फंक्शन हमें यस करना पड़ेगा। स्ट्रेचरी इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहे हैं इज टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी का यानी कि इस कंपनी का टीडीएस कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा अगर हम इसे 15,000 से ज़्यादा कमीशन देंगे या 5,000 से ज़्यादा इसको इंटरेस्ट देंगे। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो हमसे ये डिडक्टी टाइप पूछेगा, यानी कि एबीसी जो ट्रेडर्स है ये किस टाइप का डिडक्टी है, ये कोई पार्टनरशिप फर्म है या एचयूएफ है या कोई गवर्नमेंट की संस्था है या कोई ट्रस्ट है या किस टाइप की संस्था है। तो एक बार हम इसको इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंस में सेलेक्ट करेंगे और इसको यस करते करते हुए उसको आगे प्रेस इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसका पिन कोड डालेंगे हम इस एरिया का, और पेन नंबर हमें डालना कंपलसरी है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में, इसका पेन आई टी यानी कि इनकम टैक्स का नंबर, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर एंटर प्रेस करते हैं उसको सेव कर। तो ये हमारा पार्टी का लेज़र क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सपेंसेस है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो हमको इंटरेस्ट का भी एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे बिजनेस का खर्च है तो हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये स्ट्रेचरी इन्फॉर्मेशन में इज टीडीएस एप्लीकेबल, इसको हम एप्लीकेबल करेंगे और इसको ये नेचर ऑफ पेमेंट में से इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये बना रखा था, अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं है बना हुआ तो हम इसको न्यू कैटेगरी में जाके यहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसको इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी में से सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा, जो हमारी लाइबिलिटीज रहेगी, उसका लेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये हमारी लाइबिलिटीज है तो इसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको रखेंगे टीडीएस, और इसमें से हुई इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से हम हमारा लेजर क्रिएट करेंगे कमीशन का। कमीशन पेड, और ये हमारे बिजनेस का खर्चा है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। इस टीडीएस एप्लीकेबल है तो इसको भी हम एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इस पर भी टीडीएस कटेगा, इसको हम कमीशन और ब्रोकरेज में सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कमीशन पे जो टीडीएस कटेगा वो भी हमारी लाइबिलिटीज रहेगी, तो इसका लेजर हमारा बनेगा टीडीएस ऑन कमीशन, तो इसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको रखेंगे टीडीएस, और कमीशन और ब्रोकरेज, और एंटर एंटर इसको करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसकी दो अलग अलग डेट में इसकी एंट्री करके देखेंगे, पहले 13 मई से पहले की और एक 14 मई के बाद की। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं 13 मई को, और जर्नल एंट्री में पास करेंगे। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री करके देखते हैं, इंटरेस्ट पेड। अब मान लीजिए किसी पार्टी को हमने 8,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है एबीसी पार्टी को,
हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 8,000 रुपये से और क्रेडिट करेंगे हम एबीसी को। तो हम जैसे ही एबीसी को क्रेडिट करेंगे तो उस कंडीशन में एबीसी की पार्टी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा ऑटोमेटिकली टीडीएस कटने के बाद जमा हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है और 8,000 रुपये का 10% है जो हमारा 800 रुपये। अब वो 800 रुपये हमारा इस एबीसी ट्रेडर्स में अमाउंट में से कम हो जाएगा और ये हमारी लाइबिलिटीज बन जाएगी टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की, जो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये एंट्री थी हमारी 13 मई तक, यानी कि जो पुराने रेट हमारे टीडीएस के थे। तो इसी तरीके से हम एक एंट्री कमीशन की भी करेंगे, कमीशन पेड। अब मान लीजिए हमने किसी को कमीशन दिया 20,000 रुपये का एबीसी पार्टी को, तो इसका भी 19,000 रुपये, यानी कि जो टीडीएस कटना चाहिए था 20,000 रुपये, 1,000 रुपये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दिए, यानी कि पार्टी के अकाउंट में 19,000 रुपये जमा होंगे। और अब हमारा जो नई लाइबिलिटीज है टीडीएस ऑन कमीशन की 1,000 रुपये, जो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, तो इस तरीके से ये उन 1,000 रुपये टीडीएस ऑन कमीशन के खाते में क्रेडिट करेंगे और एंटर इंटरप्राइज करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो टीडीएस की रेट नई लागू होगी हमारी 14 मई 2020 से, उसको हम कैसे इफेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ टेली पे, यानी कि टेली के होम स्क्रीन पे वापस आएंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर इंटरप्रेस करेंगे, ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन पर वापस जाएंगे और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पर भी क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें मॉडिफाई करना है तो अल्टर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कमीशन और ब्रोकरेज को ही कर लेते हैं सिलेक्ट। तो फ्रेंड, अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अब यहाँ पर जो हमारी रेट है टीडीएस की, जो पुरानी रेट थी वो हमारी थी 5% की, और अब जो नई रेट आएगी हमारी वो 3.75, और जो अमाउंट की लिमिटेशन उसमें हमें कोई छूट नहीं मिली, वो हमारी 15,000 ही रहेगी। तो अब हमें पूछेगा एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो नई रेट आपने इफेक्ट कर रहे हो ये कब से लागू होनी है, तो इसको हम करेंगे 14 मई से और इंटर इंटर इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो 10% है हमारा वो 7.5% है और अमाउंट हमारी 5,000 ही है और इसका जो रेट है हमारा 14 मई, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों नेचर ऑफ पेमेंट को मॉडिफाई कर दिए। अब हम एक नई एंट्री प्रेस करके देखेंगे 14 तारीख में, 14 मई। अब जर्नल एंट्री वापस हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 8,000 रुपये से और वापस हम क्रेडिट करेंगे एबीसी को। फ्रेंड, अब यहाँ पे ये 7,400 रुपये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया और टीडीएस इंटरेस्ट में 600 रुपये। जो हमने पिछली एंट्री में देखा था उसमें 7,200 रुपये एबीसी को क्रेडिट हुआ था और 800 रुपये टीडीएस ऑन इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था। तो इस तरीके से ये 25% का जो सीधा बेनिफिट एबीसी ट्रेडर्स को मिल रहा है, यानी कि अब इसको 7,400 रुपये, 200 रुपये इसको एक्स्ट्रा उसके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। इसको एंट्री एंटर प्रेस करके हम इसको सेव करेंगे। तो इसी तरीके से हम कमीशन की भी एंट्री करके देखेंगे, और कमीशन हमने पिछली एंट्री में 20,000 रुपये दिया, तो अभी भी 20,000 रुपये करेंगे और एबीसी ट्रेडर्स को हम क्रेडिट करेंगे और वापस टीडीएस ऑन कमीशन। तो इस तरीके से पिछली एंट्री में 19,000 रुपये क्रेडिट हुए थे, अब 19,250 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं, और पिछली बार जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी वो हमारी 1,000 थी, अब इस बार 750 रुपये की रहेगी है। तो कुल मिला के बात करें हमें जो फायदा मिलने वाला वो सीधा सीधा डिडक्टी को मिल रहा है, यानी कि उसमें उसको जो अमाउंट मिल रही है वो 25% इंक्रीज होकर उसके खाते में क्रेडिट हो रही है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हर टाइप के नेचर ऑफ पेमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अल्टर में जाके। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बार हम इसे चेक भी कर लेंगे इसका लेज़र को। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, अकाउंट्स बुक पर और लेज़र पर। अगर हम ABC ट्रेडर्स का लेज़र देखें तो वो चारों एंट्री हमारे सामने आ चुकी है, जो हमने अलग अलग डेट में करी थी, 13 तारीख में और 14 तारीख में। अब क्या इफेक्ट रहा 14 तारीख और 13 तारीख का, यह हमने सामने है। अब जो 13 तारीख की एंट्री थी उसमें 7,200 रुपये क्रेडिट हुए थे और 14 तारीख में 7,400 रुपये उसके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं, और जो 20,000 वाली एंट्री थी उसमें 19,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं और नई एंट्री में उसका जो नई TDS रेट है उस हिसाब से उसके 19,250 रुपये उसके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से डिडक्टी को फायदा मिल रहा है,
और जो डिडक्टर को जो फ़ायदा मिलने वाला है वो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि इस एंट्री के हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज थी वो 800 रुपये है और जो नई एंट्री के हिसाब से अगर उसकी बात करें तो उसकी 600 रुपये की लाइबिलिटीज है, यानी कि उसको नई एंट्री के हिसाब से नई TDS रेट के हिसाब उसको गवर्नमेंट को कम जमा पैसे कराने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।